हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टेप्स की जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है किसी भी पोस्ट के लिए। जी हाँ, जब जो एक रिक्रूटिंग बॉडी होती है जब वो किसी भी पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालती है तो उसके बाद ज्वाइनिंग तक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं तभी जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो वो सारे जो स्टेप्स है वो हम इस वीडियो में डिटेल्ड जो है वो देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा तभी जाके सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो सबसे पहले मैंने इनको स्टेप्स को यहाँ पे लिख के रखा है, तो इन स्टेप्स को हम आगे देखेंगे डिटेल्ड में नोटिस किस तरह से आती है। तो पहला स्टेप होता है आपका, वो है लिस्ट फॉरवर्डिंग। जी हाँ, जो फाइनल सेलेक्शन लिस्ट निकलता है तो उसके बाद रिक्रूटिंग बॉडी को जो है इसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो वो फॉरवर्ड कर सकती है या तो वो GED को स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगी सारा लिस्ट, या तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जो है लिस्ट फॉरवर्ड करती है। तो ये डिपेंड होता है रिक्रूटिंग बॉडी पर, और लिस्ट फॉरवर्डिंग में जो है टाइम कितना लगेगा ये भी रिक्रूटिंग बॉडी पर ही डिपेंड करता है। कभी कभी जो वो लिस्ट है वो उसी दिन वो फॉरवर्ड करते हैं जिस दिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट होता है, और कुछ केस में ये एक मंथ भी लेते हैं। तो ये डिपेंड होता है रिक्रूटिंग बॉडी पे कि वो कब आपकी लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड करेगी। जी हाँ, जैसे ही आपकी लिस्ट फॉरवर्ड होती है तो वो GAD डायरेक्ट फॉरवर्ड होगी, तो GAD में भी वो अपने डिपार्टमेंट्स में फिर जो है दी जाती है वो लिस्ट, या तो JKSSB या कोई और रिक्रूटिंग बॉडी जो है वो लिस्ट डायरेक्टली जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ही फॉरवर्ड करती है। तो ये हो गया एक स्टेप वहाँ पे आपका कंप्लीट। तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप शुरू होता है जहाँ पे आपको नोटिस आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर सबमिट कीजिए। तो ये नोटिस किस तरह होती है ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये जो नोटिस आती है जिसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल फिल करना पड़ता है, तो वो कुछ इस तरह की नोटिस आती है और ये आपके डिपार्टमेंट से ही आएगी। तो ये नोटिस कहाँ पे आएगी, ये आ सकती है GAD की वेबसाइट पे, या आपके डिपार्टमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, या स्पेशली ये जो आती है ये आपके न्यूज़पेपर में ही आती है ज़्यादातर ये नोटिस। तो इसलिए आपको इन सारे मीडियाज़ को फॉलो करना है जैसे ही आपकी लिस्ट फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंशन किया जाता है कि कौन सी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें आपको पूछी जाती है, आप सबमिट कीजिए। ये दो चीज़ें, एक होता है आपका मोबाइल नंबर और नंबर टू है आपका ईमेल आईडी। और ये ईमेल और मोबाइल नंबर आपको वर्किंग देने हैं, कोई ऐसा ईमेल या मोबाइल नंबर नहीं देना है जो कि वर्क ना करता हो। तो इनको आपको ऑफलाइन भी आप इनको सबमिट कर सकते हो, तो उसके लिए एड्रेस दिया जाता है कि कहाँ पे आपको ये सबमिट करना पड़ता है, या ऑनलाइन भी आपको एड्रेस दिया जाता है, इस पर आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको दी जाती है और यहाँ पर आपको टाइम भी दिया जाता है कि कितने टाइम में आपको ये सबमिट करना है, और यूजुअली आपको एक वीक का टाइम दिया जाता है इसके लिए जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल सबमिट करोगे अपने डिपार्टमेंट में। तो ये हो गया स्टेप नंबर टू आपको इस प्रोसेस में। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, स्टेप नंबर थर्ड है आपका वेरिफिकेशन लिंक। जी हाँ, आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आती है। आजकल आपको जो है एक टाइप का आप वीरोल जो पहले आप ऑनलाइन फिल करते थे, तो अब वो वीरोल आपको उसकी लिंक आपको ऑनलाइन आती है आपके इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे वो आएगी जो आप सबमिट करोगे। और ये एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सिस्टम जो आप मैंडेटरी किया गया है हर एक एम्प्लॉय के लिए, तो वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ती है। आपको बता दूँ, जैसे ही आपको ये लिंक आएगी तो इसको आपको बहुत ही केयर के साथ फिल करना पड़ेगा। जी हाँ, और इसमें आपने कोई मिस्टेक की तो वो बाद में रेक्टिफाई नहीं होगी आपको, इसीलिए इसमें अच्छी तरह से पूरी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही सबमिट करनी है ये लिंक, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दी उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो। इसलिए इसको आपको जो है प्रॉपर केयर के साथ फिल करनी है सारी डिटेल्स जो डिटेल्स वहाँ पे लिखी होगी। तो आपको बता दो, इससे पहले आपको ऑफलाइन होती थी ये वेरिफिकेशन वी रोल्स के लिए, तो वो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट कैसा होता था वो हम मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये है ऑफलाइन वी रोल का फॉर्म, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल्स यहाँ पे पहले लिखी होती है कि ये किस चीज़ के लिए भरा होता है, और उसके बाद आप डिटेल्स यहाँ पे देखोगे कि इतनी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। इसमें सारी डिटेल्स आप फिल नहीं कर सकते खुद, कुछ डिटेल जो है वो वहाँ पर ऑफिस वाले भी करते हैं, लेकिन जो डिटेल्स आपको मैंडेटरी होगी वो आपको फिल करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स देख भी सकते हो क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती है। स्पेशली एड्रेस का कॉलम भी आप देख सकते हो, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, बाकी चीज़ें इसमें दी जाती है। एड्रेस पे ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, उसके बाद बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे जो है देनी पड़ती है। सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से यहाँ पे देखोगे,
इनमें जो चीज़ें आपके अंडर होगी जो आपको फिल करनी होगी तो वो आपको ऑनलाइन अब ऑनलाइन लिंक पे ही सबमिट करनी होगी वहाँ पे। अब आपको ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिलता क्योंकि अब मैंडेटरी बन चुका है सारे कैंडिडेट्स के लिए कि अब ऑनलाइन ही होता है ये सारी जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन होती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता है, इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे हो गए जो कि आप नहीं फिल कर सकते, लेकिन जितना आपको फिल करना होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उस टाइम आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कौन सी डिटेल्स इसमें होती है। हालांकि जो ऑनलाइन लिंक आएगी वो मुझे अभी पता नहीं है कि उसमें कितनी डिटेल्स होती है, ये ऑफलाइन फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ जो कि ऑफलाइन पहले आपको फिल करना पड़ता था आपके कंसर्न डीसी ऑफिस में, आप ये फिल करते थे, वे रोल की प्रोसेस वहीं पे होती थी। अब ऑनलाइन होगी इसलिए आपको घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है बहुत ही केयर के साथ डिटेल्स फिल करनी है, कोई भी जल्दी नहीं होनी चाहिए इसमें, इसमें एडिटिंग नहीं होगी। सो प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन इन दिस केस। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिटेल्स इसमें मेंशन है, बस इतना ही है फॉर्म है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो अपनी वी रोल लिंक, तो उसके बाद आपका जो है डिपार्टमेंट स्टार्ट करेगी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन और सीआईडी वेरिफिकेशन, और ये जो है आपकी इसी वी रोल की जो डिटेल्स होगी इसी पे होगी। हालांकि आपको पता है सीआईडी और पुलिस के पास आपकी सारी डिटेल्स होती है और वो अकॉर्डिंगली जो है आपका रिपोर्ट यहाँ पे वापस सबमिट करेगी, तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि यार किसी कैंडिडेट का एडवर्स आता है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे पुलिस क्या कर सकती है या सीआईडी वाले क्या कर सकते हैं, ये आपको मे बी स्टेशन पे बुला भी सकते हैं या खुद आपके जो है घर आके आपकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है अब वो किस तरह से करेगी प्रोसेस, ये उनका काम होता है। और इनके रिपोर्ट देने तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, तो जैसे ही ये पुलिस और सीआईडी वेरिफिकेशन होती है आपकी तो आपको अपॉइंटमेंट नोटिस आती है। आपको बता दूँ सीआईडी वेरिफिकेशन किसी किसी केस में ज्वाइनिंग के बाद भी जो है होती है, लेकिन आप मान के चलिए ये एक ही साथ होगी, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ही सीआईडी वेरिफिकेशन भी होगी। हालांकि कभी कभी यार इनको जल्दी करना पड़ता है तो वो सीआईडी वेरिफिकेशन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन सबसे पहले जाती है, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट नोटिस आएगी। तो अपॉइंटमेंट नोटिस उसके बाद आती है, तो ये नोटिस किस तरह की होती है ये हम यहाँ पे अब देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो नोटिस लाई है ये मैंने कोऑपरेटिव जो सबॉर्डिनेट सेलेक्ट हुए थे वहीं से नोटिस लाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया जाता है आपको 20 डेज दिए जाते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए, और आपको ज्वाइनिंग के टाइम जो है क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ती है। एक तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, मैट्रिकुलेशन एंड डीओबी सर्टिफिकेट्स, हेल्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपके पास होती है, हेल्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, इसके लिए कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, एक दो दिन इसको लिए जो है लगते हैं इसको बनाने में। उसके बाद एक और है आपके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले सर्टिफिकेट जो है जो डीआईसी से लाना पड़ता था आपको, तो इसका भी क्लियर नहीं है कि इस बार आपको ये लाना पड़ेगा या नहीं। तो ये भी कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ क्लेरिफिकेशन लेनी पड़ती है। आपको बता दो हेल्थ एंड डीआईसी सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद उस ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से उसको वहाँ पे वेरीफाई करके लाना पड़ता है। और बाकी जो कोई सर्टिफिकेट होगी, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी कैंडिडेट होगा, तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम भरनी पड़ती है। तो यही होती है आपकी ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस। उसके बाद एक और सेटअप होता है वो हम बाद में यहाँ पे देखेंगे। अब जो लास्ट का जो सेटअप है वो है डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो इनकी असली वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट खुद करता है। जी हाँ, जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट या तो खुद ही करेगा, वो कंसर्न इंस्टीट्यूशन से क्लेरिफिकेशन लेगा आपकी डॉक्यूमेंट्स की, या डिपार्टमेंट कभी कभी किसी सूरत में आपसे भी कहा कहते हैं कि आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा के लाओ। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं होता क्योंकि यार आपने जो है रियल सर्टिफिकेट्स दी होती है तो आपको आसानी से वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। हालांकि जिसकी फेक सर्टिफिकेट होगी तो वो यहाँ पे इस सेटअप पे फंसेगा। और लास्ट में आपको बता दूँ, जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सीआईडी वेरिफिकेशन सारी कंप्लीट हो जाती है पूरी प्रोसेस, उसके बाद ही आपको अपनी फर्स्ट सैलरी मिलती है। तो इतने ही स्टेप्स है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं आपके फाइनल लिस्ट के बाद भी अपॉइंटमेंट तक यानी ज्वाइनिंग तक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।